बोलिए क्या बोलना है। मार्कंडेय महादेव का दर्शन हम लोग करने आए थे बस। और अरे हो गया, सुना कौन विष को पी गया, पूरे विश्व में विष को पीने वाला कोई नहीं था, इसे मेरे नाम विश्वनाथ पड़ गया। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय। एकदम सुबह में घर से निकलता हूं और UPSRTC की बस लेकर अपने सफर पर चल पड़ता हूं। इतनी सुबह की बस लेने के बाद भी मुझे बस में भीड़ देखकर बहुत ही हैरानी होती है। मैं अपनी सीट पर बैठ कर बाहर के नज़ारे ले ही रहा होता हूं कि तभी मैं बनारस पहुंच जाता हूं। बनारस के नज़ारों को देखते हुए मैं आगे के सफर के लिए रिक्शा देख ही रहा होता हूँ कि तभी मुझे दिखाई देता है ये वर्ल्ड फेमस बनारसी पान। Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. भैया कितने दूर है अभी यहाँ से? बोलोगे? साढ़े तीन। ये नदेसर से वो गरीब से जा रहा है ना? Pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh. Everything is like a test. I better not text or I'll come up desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get. My God, free seva. Play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like अभी हमारे और जो मित्र हैं वो भी आगे चल के हमसे मिलेंगे। तो अभी हम पहुंच गए हैं महाओ के आसपास। महाओ एक जगह है करीब बनारस कैंट रेलवे स्टेशन से करीब 20 किलोमीटर दूर की एक जगह है। तो वहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं और यहाँ से फिर हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। चले चंगा तरक्की कर रहा था। चलो यार तुमको, यार बहुत मोटे हो गए। एग्जाम सेंटर जहाँ पे हमने हाई स्कूल का एग्जाम दिया था अपना। चाचा हमारे प्रधान। ये है केसरिया 13। इसके है पिया के प्रेरणादायक स्रोत। ये आ चुके हैं हम चौबेपुर बाजार में। बहुत ही गड़बड़ रोड है यार। और ये हम बढ़ चले हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर।
और ये हम घाट की तरफ बढ़ते हुए यहाँ से हमें पैदल जाना होगा। आपने बहुत से संगम देखे होंगे जो कि मुख्य जो धर्म स्थल है, तीर्थ स्थल है, वहाँ भी संगम होता है नदियों का। तो मुख्य रूप से यहाँ भी एक दो नदियाँ की मिलती हैं जो कि है गोमती और गंगा। ये हम जा रहे हैं नदी के उस पार। नदी के किस पार? उस पार और आगे का नजारा आपको दिखाएंगे। बने रहे हमारे साथ क्या हमारे प्रधान आगे की बातें ये बताएंगे। हमारे बेटे लोग बोल रहे हैं तो हम क्या बोले। All the searching, pain is never really permanent, but damn it hurts man, I could feel all of the turbulence and it's concerning. और ये हम लोग बढ़ चुके हैं नाव की तरफ। श्रद्धालुओं या भक्तों से निवेदन है कृपया ऐसी जगहों पे आके गंदगी ना फैलाया करें। जंगल है वहाँ पर आ रखे हैं और आप यहाँ से पीछे का नज़ारा देखिए, ये है गंगा नदी का संगम और ये रही हमारी बोट और वो रहा दूर जो है कि हमारा घाट जहाँ से हमने सफ़र चालू किया था। अभी हम लोग यहाँ पर हैं, अभी आगे की वीडियो आपको दिखाते हुए चलते हैं। थोड़े बहुत रेत भी हैं क्योंकि गंगा नदी के पास और बहुत सी नदियों के पास आपको ऐसे रेत मिलेंगे। और यहाँ पर एक छोटा सा नाला टाइप का भी है जो लगता गांव का पानी यहाँ जाता है और कीचड़ भी काफ़ी है। तो आप ये देख रहे थे ये जो नाव है, इसी नाव में हम लोगों ने, हमारे दोस्तों ने साथ मिलकर ही सफ़र किया। सफ़र कुछ ऐसा था कि बस हमको नदी पार करनी थी। एक घंटा बिताने के बाद हम लोग वहाँ से वापस आए हैं अब मंदिर का दर्शन करने, क्योंकि हम लोग यहाँ पर स्नान वगैरह कर चुके हैं। दर्शन करने के बाद फिर आपको आगे का वीडियो दिखाएंगे। तो यहाँ घाट से हम नहा के निकले हैं, अब मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आगे का नज़ारा आपको दिखाएंगे। चलते हैं, चलिए आइए। आज हम लोग खड़े हैं गंगा और गोमती के संगम पे, जिसको हम लोग कैथी गांव के नाम से जानते हैं और यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं इसको मार्कंडेय महादेव जी के नाम से भी जानते हैं। तो मार्कंडेय महादेव जो थे, जिनको हम लोग मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, वो इसी संगम पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे गंगा और गोमती का संगम है, इसी संगम पे तप करते हैं और रेत के टीले का यहाँ पे शिवलिंग स्थापित करते हैं और स्थापित करके उसी की आराधना करने लगते हैं। अभी हम लोग मंदिर में भी चलेंगे और वहाँ पे भी जानेंगे लोगों से पौराणिक कथाएं जो भी उसके बारे में प्रचलित है। तो सही को वही कहे बने दूध का खोआ, चलती को गाड़ी कहे कह कह कबीरार हुआ। क्या बात है, कबीरार हुआ सो पढ़े पंडित मुल्ला। ससुर चुटिया कबहू जो बर खोजन जाए, लड़कियों जजबा हाथों जोड़ बा मुँह टेर कर चढ़े बा, कुछ देव ना कैला। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। तो विश्वनाथ कौन है जो विश्व को पी गया? विश्वनाथ कौन? विश्व को पी गया, पूरे विश्व में विश्व को पीने वाला कोई नहीं था, इसलिए मेरे नाम विश्वनाथ पड़ गया। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय।
उत्तराखंड में आप हमारे वीडियो में बने रहिए और चैनल को इसी तरह लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे आपको आगे का जो है कि अच्छी अच्छी वीडियो और मिलती रहे। धन्यवाद। जिले में आए हुए सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत है। किसी अनजान व्यक्ति से कोई खाने पीने की वस्तु न ग्रहण करें, तो इसमें लिखा हुआ है। हाँ भैया, भोलेनाथ के दर्शन मरकंडे महादेव। ले लीजिए भैया, बोलिए क्या बोलना। मरकंडे महादेव का दर्शन हम लोग करने आए थे बस। और अरे हो गया, अरे कुछ बता के जाइए ना आगे बारे में। जिस धाम के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, मारकंडे महादेव जी जो कि एक ऋषि थे, और उनके धाम पे हम लोग प्रवेश करने वाले हैं। तो अभी जो है हम मंदिर के परिसर में आ गए हैं। मंदिर परिसर में अभी हम लोग अंदर जाने वाले हैं। अंदर जाने का हम आपको वीडियो तो नहीं दिखा सकते, क्योंकि अंदर जाने के लिए हमको बहुत ही ज़रूरी है वो कैमरा, जो आप जिससे आप देख सकते हो वीडियो, लेकिन वो कैमरा यहाँ अलाउ ही नहीं है। तो आप जो है हमारे आने के बाद हमारा एक्सपीरियंस जानिएगा, बने रहिए इस वीडियो में। मंदिर परिसर में आके पता चला कि आज सूर्य ग्रहण होने की वजह से कपाट बंद है मंदिर का, इस वजह से हम अंदर महादेव के दर्शन नहीं कर पाए। एक्चुअली इतना आइडिया था नहीं कि आज कपाट किस समय बंद होगा और किस समय चालू होगा। तो अब ये हम निकल पड़े हैं अपने डेस्टिनेशन से जहाँ पे हम आए थे, लेकिन कुछ कारणों वश आज दर्शन नहीं हो पाया, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे।